हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करके देखा था जो बेस्ड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे, यानी हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने थे और उसके लिए हमें यूज करना था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक के ऊपर, उसी मेथड के ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करके देखेंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो दो से तीन क्वेश्चन होंगे वो सारे एग्जाम्पल्स है, यानी बुक के एग्जाम्पल्स होंगे। सीबीएसई 10th की जो बुक है हमारी, उसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस होंगे। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चंस उठाने का रीजन ये है कि एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो थोड़े मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस है कि एग्जाम में आ सके, और एग्जाम में अगर आते हैं और आप कर लेते हो तो आपको फुल मार्क्स भी दिला सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल टू जीरो, और इसे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें से, यानी सॉल्यूशंस निकालने, और यूज क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आपको पता है अच्छे से कि पहला जो स्टेप होता है, उस स्टेप में हम ट्राई करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या रहे, वन रहे। यानी अगर कोएफिशिएंट वन नहीं होता है तो हम बनाते हैं, और वन है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, वन है, तो इसका मतलब हमें ये जो पहला स्टेप है वो नहीं करना, हमें क्या करना है, सीधा सेकेंड स्टेप से शुरुआत करनी है। तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहता है कि ये जो मिडिल टर्म है, यानी मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पर हमें क्या पड़ा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो पड़ा, और इसमें से जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब ये माइनस फाइव अपॉन टू, उसे ले लेना है। तो मिडिल टर्म को सीधा हम स्टेप टू से शुरू करते हैं, क्योंकि स्टेप वन तो ऑलरेडी हो रखा है। तो फाइव माइनस फाइव अपॉन टू ले लिया हमने। अब माइनस फाइव अपॉन टू लेने के बाद इसे क्या करेंगे, हम माइनस फाइव अपॉन टू को वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। किससे करेंगे, वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई। आप 2 से डिवाइड करवाइए या फिर चाहिए तो 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही है। 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई का मतलब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये आगे जाके क्या बन जाएगा, माइनस 5 अपॉन 4। तो ये हो गया माइनस 5 अपॉन 4 बन गया। ये जो है वो हमारा टर्म यूज होगा अब आगे, माइनस 5 अपॉन 4 का जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 5 = 25, 4 4 = 16। तो माइनस 5 अपॉन 4 क्या हो गया, 25 अपॉन 16 बन गया। ये 25 अपॉन 16 हम यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए। अब एक बार इसको यहाँ छोड़ देते हैं और क्वेश्चन वापस लिख लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये है, और इसमें मैं क्या करना है कि ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हटाना है और दूसरी तरफ ले जाना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ हम दो ही टर्म्स रखेंगे। तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन टू एक्स तो रहेगा, और माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चला गया, जीरो से प्लस हुआ, जीरो से प्लस हुआ था, जीरो प्लस माइनस थ्री अपॉइंट टू, माइनस थ्री अपॉइंट टू बन गया। अब अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि ये जो आया है आपका 25 अपॉइंट 16, ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा और राइट हैंड साइड में प्लस होगा। क्या जो क्या आएगा, 25 अपॉइंट 16 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये भी कर लेते हैं, माइनस 5.2x प्लस 25 अपॉइंट 16 इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 प्लस 25 अपॉइंट 16। तो दोनों तरफ प्लस कर दिया हमने। अब दोनों तरफ प्लस करने के बाद आपको देखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है इसके साथ साथ ही। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वो बना किससे होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। चाहे अगर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भी हो तो वो किससे बना हुआ होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, यानी ये जो राइट हैंड साइड में आया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है उससे कंपेयर कर लेंगे फार्मूले में, दोनों में से। तो कौन सा फार्मूला लग सकता है, ए माइनस बी वाला लग सकता है, तो ए प्लस बी वाला हमारे काम का नहीं। अब आपको क्या चेक करना है कि ए स्क्वायर की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर है, और बी स्क्वायर की जगह कौन है, 25 अपॉन 16 है। ये हमने जब क्या किया था, 5 अपॉन 2 को 2 से डिवाइड करवाया था ना, तो हमने ये वाला स्टेप में जो 2 मल्टीप्लाई किया था वो 2 हटा दिया था, जो 2 मल्टीप्लाई किया था वो 2 हटा दिया था ये वाले स्टेप में। फिर हमने क्या किया कि ये जो 2 हटाया था उसके बाद हमने स्क्वायर करवाया। तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट वाला टर्म बता रहे थे, जैसे कि अगर हम ये वाले टर्म में से 2 हटा देते हैं, यहाँ पर क्या था, 5 अपॉन 2 एक्स था, तो हमने 2 हटा दिया और a भी हटा दिया, a की जगह x था, ये जो x है a स्क्वायर की जगह जो है वो अगर a स्क्वायर का रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का रूट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो ये x हमने पहले ही हटा दिया था, हमने सीधा 5 अपॉन 2 लिया था, फिर उसमें से जो 2 मल्टीप्लाई हो रखा था 2ab के लिए उसको 1 अपॉन 2 से डिवाइड करवाया था। तो इसी तरह हमने 25 अपॉन 16 बनाया,
तो ये जो 25 अपॉन 16 बना था वो अकेला b बनाया था पहले, फिर उसका स्क्वायर कर दिया था, यानी ये b स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, a की जगह कौन है, x है, तो हम यहां से कैसे पता लगाएंगे कि x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, अगर a चाहिए तो स्क्वायर हटा दो, तो a चाहिए तो स्क्वायर हटा दिया, ये आ गया x। 25 अपॉन 16 है तो अगर उसको 25 अपॉन 16 को, ये b स्क्वायर है, अगर b चाहिए तो 25 का भी रूट और 16 का भी रूट, ये कुछ इस तरह के है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 होता है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 अपॉन 16, रूट ऑफ 25 अपॉन 16, स्क्वायर हटा रूट लगा, 25 का 5 और 16 का 4, तो ये हो गया b इज इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी प्लस b इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, तो हो जाएगा 5 अपॉन 4, बस हो गया। ये हमने इस तरह से बना दिया इसको, a माइनस b बना दिया। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए, तो माइनस और ये हो गया स्क्वायर। ये क्या किया हमने, इस टर्म को मतलब कंप्रेस करके छोटा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया। और फिर हम आगे करेंगे, तो यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 2 है यहाँ 16 है, तो दोनों के नीचे अगर 16 होता तो काम बन जाता, हमने दोनों के नीचे 16 बना दिया, तो दोनों के नीचे 16 कैसे बनेगा, ये मैंने क्या किया एलसीएम लिया है, तो 2 और 16 का जो एलसीएम होता है, जब भी ये ट्रिक होती है कि जब भी दो नंबर्स ऐसे हों जिसमें छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आता है तो हमेशा बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है, तो छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आता है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 × 8 = 16 और 25 × 1। तो इस तरफ तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ तो छेड़ने की जरूरत नहीं, और फिर आगे क्या करना है, 8 × 3 = 24 = 16 + 25 / 16। ये हमने क्या किया, 8 × 3 = 24 कर दिया, 25 × 1 = 25 और अपॉन में 16 लगा दिया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि उसको तो हमने बना दिया, 25 − 24 = 1 / 16 हो गया। फिर क्या करेंगे आगे कि हमें निकालना है, फाइनली हमें क्या करनी है, x की वैल्यू चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमें फाइनली जो x की वैल्यू चाहिए उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो जब रूट हटेगा तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, तो 1 / 16 हो गया, बट ये 1 / 16 प्लस माइनस का बनेगा, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे दो वैल्यूज आती है ना, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यूज तो दो आएगी, एक प्लस का स्क्वायर बनेगा एक माइनस का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि माइनस का 4 हो और उसको आप स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, प्लस का स्क्वायर हो उसको आप प्लस को प्लस 4 को स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 / 4 + 5, ये जो माइनस का 5 था उसको इधर बुला लिया तो प्लस 5 हो गया, तो हमारी जो दो वैल्यूज कौन से बनी, एक तो प्लस वाली तो 1 / 5 + 5, एक तो ये प्लस की हो गई और दूसरी माइनस वाली तो -1/4 + 5, तो ये दो वैल्यूज हमने बना ली। हमने क्या किया, अब यहाँ से प्लस माइनस था उसे अलग कर लिया, तो यानी एक प्लस का हो गया 4 और एक माइनस का हो गया, प्लस के 4 के साथ प्लस का 5 है और माइनस के 1/4 के साथ माइनस का प्लस का 5 है, तो ये दोनों अलग हो गए, यानी दो टर्म्स यहाँ से आ जाएगी, और इसके साथ ही हमने यहाँ तो हटा रखा था, अब 4 और 1 का एलसीएम लेना है, यहाँ भी 4 और 1 का एलसीएम लेना है क्योंकि इनके बीच में प्लस करना है, और प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे हम, तो यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, तो यहाँ तो 4 है ऑलरेडी और यहाँ 4 बनाना है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को भी 4 से कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम -1/4 है और प्लस 1 और 5, अगर मुझे यहाँ 4 और 1 का एलसीएम लेना है तो 4 बनाना है, तो 1 × 4 = 5 × 4 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 1/4 + 5/4 = 20/4, और यहाँ साथ ही बन जाएगा -1/4 + 5/4 = 20/4, फिर ये बनेगा 20 + 1 = 21/4 और 20 - 1 = 19/4, ये हो गया सॉल्यूशन इसका, दो वैल्यूज हमको निकल के आ गई, एक हमने प्लस की मदद से निकाली यानी +1/4 की मदद से, दूसरी -1/4 की मदद से, तो 20 - 1 = 19 होता है, 20 + 1 = 21, तो 21/4 और 19/4, ये दो वैल्यूज आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्यूशन के टाइम स्टेप यही याद रखना है, एक ही फॉर्मूला अच्छे से फोकस करते हुए चलना है कि वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो a - b और a + b के लिए
सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि जब a माइनस भी होगा तो माइनस टू ए भी बनेगा और जब a प्लस भी होगा तो प्लस टू ए भी बनेगा। हम दो वैल्यूज अलग कर लेंगे यहाँ से इसकी मदद से, तो जो पहली वैल्यू बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, तो यहाँ से बन जाएगी 5/4 प्लस की, ये प्लस था तो प्लस वाला x उठा लिया, प्लस वाली उठा ली, अब माइनस वाली 1/4 की वैल्यू उठा लेते, तो ये माइनस वाली 1/4 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4 प्लस 5/4। तो ये प्लस माइनस को हमने दोनों को एक एक करके वैल्यूज दे दी सेपरेट। अब आगे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 दोनों में कॉमन है तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम होगा 4 दोनों में कॉमन है तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और 5 - 1 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 कैंसिल आउट हो गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। एक वैल्यू तो आ गई ये हमारी और दूसरी ये वैल्यू आ गई, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वैल्यूज आती है, दो वैल्यूज आती है, तो ये आ गई दो वैल्यूज और आंसर हो गया सही। तो जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल्स में मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्वेश्चन हम एग्जाम्पल से भी करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप खुद ही कर सकते हैं और एग्जाम में हो सकता है कभी कभी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 25x² - 30x - 10 = 0, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि पहला स्टेप हमें ये होता है कि यहाँ पर यानी किस जगह पर ये एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या बनाओ, 1 बनाओ, बस सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर की जगह 1 बनाओ। हम कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म को 25 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, 25 से डिवाइड करवाना पड़ेगा हर एक टर्म को, 0 भी एक टर्म है इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 से डिवाइड क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो वहाँ x बन जाएगा, बाकी सब में हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पहला टर्म बाकी पीछे का टर्म्स चाहे फ्रैक्शन में चले जाए लेकिन पहला टर्म हमेशा 1 बनाना है, इसलिए ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे जब ये करेंगे तो दो चीज़ें आपके पास, या तो आप 30/25 सीधा लिख दीजिए, दूसरी क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ कि 30/25 को आप थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने का मतलब क्या होता है कि 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, दोनों 5 के टेबल के थे तो मैंने इनको ट्रिम करवा दिया। आगे सेम यहाँ भी कर सकते हैं कि 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, तो ये और थोड़े से ट्रिम हो गए। अब लास्ट में जाते हुए आपको क्या करना है कि 0/25 को 0 बना देना है। 0.25 0 क्यों, क्योंकि 0 किसी से भी डिवाइड हो आंसर तो 0 ही आना है, बस हो गया, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। तो अब जो दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट उठा लेते हैं, तो मैंने कोएफिशिएंट उठा लिया और फिर कोएफिशिएंट को उठा के -6/5 था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, तो ये और यहाँ पर और थोड़ा सा ट्रिम हो गया, ये क्या आ रहा है -3/5। अब जो अगला टर्म है वो क्या कहता है, अगला स्टेप क्या कहता है, -3/5 को होल स्क्वायर करवा दो, होल स्क्वायर करवा दो, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन एक कन्फ्यूजन है, माइनस कहाँ चला गया, माइनस कहाँ गया, 2 का जो स्क्वायर होता है ना, जब भी माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस बन जाएगा, क्योंकि -3 × -3 हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 × 3 = 9 हो जाता है, ये आ गया। ये यहाँ तक तो हमारा हो गया, टर्म निकल गया जो हमने मिडिल टर्म से बनाया। अब वापस क्वेश्चन की बारी, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार। अब आपको क्या करना है कि इनमें से x वाले जो टर्म्स है x स्क्वायर और x, इनको रखना है और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाना है, तो x स्क्वायर -6/5x और इक्वल्स टू, ये माइनस है ना वो प्लस का 5/2 बन जाएगा, ये माइनस जो था इस तरफ आके प्लस का बन गया। बस अब क्या करेंगे कि -6/5x ये तो एज इट इज, यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी जगह छोड़ी और ये इधर, अब आपको ये जो टर्म निकाली है ना इस टर्म को यहाँ लाना है, इस टर्म को यहाँ लाना है और प्लस में 9/25 लिख देना है और यहाँ पर भी लिख दोगे आप प्लस में 9/25। ये जो हम कर रहे हैं वो तीसरा स्टेप कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है इसमें कि x का रूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और 9 का रूट 3 और 5 का रूट 25 का रूट 5 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा देना है और यहाँ बीच में कुछ साइन भी तो लगानी है, तो वो साइन यहाँ से आएगी, जो यहाँ लगी होगी वही के वही यहाँ लगा देंगे, ये हो गया, यहाँ पर आ गई साइन। इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा डीप डिटेल में बताया था कि किस तरह से ये बनता है। दूसरी चीज ये जो मैं बता रहा हूँ वो इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा,
आपको रीजन भी पता होगा और स्पीड में कैसे बनाना है वो भी पता होगा। फिर आगे क्या करना है कि ये 5 है और 25 है, तो 5 और 25 का एलसीएम मैंने अभी कहा था, जब छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आता है तो बड़ा वाला एलसीएम होता है, तो 5 के टेबल में 25 यानी 25 एलसीएम हो गया। तो 5 इंटू 5 और 2 इंटू 5 प्लस 9 अपॉन 25 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ मैंने क्या किया, नीचे यहाँ भी 25 बनाना था 5 की जगह, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये ऊपर भी हो जाएगा, तो 5 टू 10 नीचे 25 बना दिया और 9 और 25, यानी हमने डिनोमिनेटर में तो 25 बना लिया और 9 और 10 19 होता है। और दूसरी तरफ जो हमारा LHS है उसको कुछ चेंज नहीं करोगे आप, LHS के अंदर यही कही लेके चलना है बस। यहाँ तक आने के बाद अब अगला स्टेप होगा, अब क्या होगा कि x की वैल्यू फाइंड होगी, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरफ आएगा ये स्क्वायर, इधर रूट बनेगा, तो वो हम करके देख लेते हैं अभी। ये जो लास्ट स्टेप आया था वो मैंने वापस लिख लिया है, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये जो स्क्वायर है वो सामने जाके रूट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर सामने जाके रूट बन जाएगा, तो 19 का रूट रूट 19 ही होता है और 25 का रूट 5 होता है, तो यहाँ तक हो गया। अब आपको आगे क्या करना है कि ये जो 5 और 19 बना ना वो प्लस माइनस का बनेगा, ये पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं कि प्लस माइनस का क्यों बनता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करो तो भी प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस का स्क्वायर करो तो भी प्लस की वैल्यू आएगी। फिर यहाँ से आपको वैल्यूज दे देनी है, एक प्लस का और एक माइनस का बना देना है, तो प्लस का 19 अपॉन 5 और प्लस 3 अपॉन 5, ये जो माइनस का 3 अपॉन 5 था वो इस तरफ आ गया इक्वल्स टू के, और सेम यहीं पर बन जाएगा, लेकिन इस बार वहाँ प्लस का था यहाँ पर माइनस का होगा, तो हो गया माइनस का, और 3 अपॉन 5 तो वही है क्योंकि 3 अपॉन 5 तो उधर से आ रहा है तो वो तो प्लस का ही बनेगा। चेंजेस यहाँ पर है, ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक प्लस का भी और एक माइनस का, ये शॉर्टकट होता है लिखने का कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि एक ही जगह प्लस माइनस लिख दिया, क्योंकि जब दो वैल्यू सेम होती है और दोनों एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो ऐसे प्लस माइनस लिख देते हैं, तो ये प्लस वाली आ गई ये माइनस वाली आ गई। फिर यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर सेम और 19 प्लस 3 हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस 19 रूट का रूट 19 प्लस 3 अपॉन में 5 हो गया, तो ये 19 प्लस 3 बना, ये माइनस 19 प्लस 3 बना, और ये हमारा आंसर आ गया, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उस टॉपिक में मैं ये वाला जो आंसर आया है उस आंसर को आपको बहुत स्पीड से, मतलब एक मेथड है श्रीधराचार्य मेथड, जिसमें आपको बहुत स्पीड से यही के आंसर सीधा आ जाता है, मतलब आपने इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर है वो यही आएगा इसी तरीके का आएगा लेकिन थोड़ा स्पीड से आएगा, तो वो टॉपिक भी हम करेंगे अगले वीडियो में। तो ये जो अगला टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में श्रीधराचार्य मेथड करेंगे, उससे पहले हमें ये टॉपिक समझना थोड़ा सा जरूरी है। इस टॉपिक में हमें क्या है कि क्वेश्चन तो दे रखा होता है आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल फार्मूला पता है, मैं जनरल फार्मूला भी लिख लेता हूँ एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और सेम वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जनरल फार्मूला तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे हम कि सॉल्यूशन जैसे ना हम आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े सॉल्यूशंस और इजी होते जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे कि इसके रूट्स यानी इसके सॉल्यूशन निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो वो जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो इमेजिनरी निकलेंगे या रियल निकलेंगे। इमेजिनरी और रियल में क्या डिफरेंस होता है, इमेजिनरी और रियल में डिफरेंस है कि जो नंबर्स आते हैं वो रियल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स आना यानी रूट के अंदर माइनस आ जाना, यानी कि सपोज ऐसा कभी आ जाता है माइनस 19 का रूट, तो माइनस 19 का रूट पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर जब भी वैल्यू जाएगी तो माइनस की होके नहीं जा सकती, वो पॉजिटिव वैल्यू ही जा सकती है, तो ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, और ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे, तो ये इमेजिनरी और ये रियल। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक छोटा सा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4AC, उससे पहले ही चेक कर लेंगे कि रियल रूट्स आने वाले हैं या इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं। तो करना क्या आपको कि इस ये वाला पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस लेंगे हम और पहले रूट्स चेक करेंगे, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मैंने लिख ली, और चेक क्या करना है आपको बी स्क्वायर माइनस 4AC के फॉर्मूले में पुट करना है, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर ए और सी, ये हो गया। क्या किया आपने, ए और सी की जगह ए और सी की वैल्यू रख दी, 6 6 36 प्लस का प्लस हो जाए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 4 20 और 22
40 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस पहले प्लस कर दिया, 5 4 20 22 40 तो ये क्या बनेगा 76 क्या आ रहा है, दोनों को प्लस करके 76। हमें 76 से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि हमारा जो भी आंसर आए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आए, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस का यानी जीरो से छोटे सारे माइनस करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि ये जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल है तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स आएंगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकल भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम, क्या इसके भी रियल आते हैं या इमेजिनरी आते हैं, और अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग नहीं सकता, और रियल आते हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगता है। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख ली मैंने, फॉर्मूला वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर में क्या करेंगे आप 4 का स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट में लिखो चाहे ऐसे लिखो चलता है, और ये हो गया। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस की जगह माइनस, 5 4 23 60 60, और 60 में से मुझे माइनस करवाना है 16 को, तो आंसर हमारा क्या आएगा 44, लेकिन माइनस का 44 कैसे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 60 में से 16 चला गया, 60 में से 16 जब चला जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको साइन मिलेगी ग्रेटर से, तो ग्रेटर कौन है, माइनस का 60 तो माइनस का 44 इसकी साइन होगी, तो ये आ गया माइनस का 44। अब आपको देख लेना है कि माइनस का 44 क्या है, लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो के इक्वल हो, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसमें जो है वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे जिसको हिंदी में काल्पनिक रूट काल्पनिक कहते हैं, और इसमें आएंगे रियल रूट्स, यानी वास्तविक और काल्पनिक दो तरह के रूट्स आएंगे। तो जब भी आपके पास रियल रूट्स आएंगे तब तो आप मेथड यूज करेंगे कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे तब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। इसमें रियल में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, और श्रीधराचार्य जो हम अगले वीडियो में देखेंगे वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो जरूर देखिए जिसमें हम श्रीधराचार्य मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।